मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है महंगा? क्या वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी देना होगा ज़्यादा चार्ज? उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, वाहन रजिस्ट्रेशन, फिटनेस से जुड़े सभी काम महंगे होने वाले हैं। दरअसल धामी कैबिनेट ने इन सेवाओं पर लगने वाले यूजर चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इससे मिलने वाला पैसा कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीनों में सुधार और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड में परिवहन विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन है। अभी तक नई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, लाइसेंस में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने, वाहन रजिस्ट्रेशन कराने, फिटनेस की फीस, परमिट फीस जमा करने के लिए 20 रुपए यूजर चार्ज देना पड़ता था। इसे अब सरकार ने बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। लोगों को हर ट्रांजेक्शन पर यूजर चार्ज के रूप में 30 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि विभाग की ऑनलाइन सेवाओं में अभी खामियां हैं। ऑनलाइन सर्वर डाउन रहने से लोगों को अक्सर ही परेशानी झेलनी पड़ती है। विभागीय दफ्तरों में लगे कंप्यूटरों की हालत भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल यात्री वाहन, बस और टैक्सी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बढ़ाई है। इसे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली 2008 के तहत कमर्शियल यात्री वाहन के हादसे में मृत्यु और घायल होने पर सरकार की ओर से राहत राशि दी जाती है। कैबिनेट ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा निधि मद का बजट भी बढ़ाया है। अब तक परिवहन विभाग कंपाउंडिंग शुल्क से वसूल होने वाली राशि का 25% इस मद में जमा करता था, जिसे बढ़ाकर अब 30% कर दिया गया है। यह बजट सड़कों के ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण के साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर खर्च किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।